रेल्फ डर पॉलिटिकल पोलिटिकल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम इसके सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट आते रहे जिन्होंने अपने व्यूज़ के ज़रिए जो एग्जिस्टिंग इश्यूज थे माशरों के अंदर उनके ऊपर अपनी फ़िलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशंस दी और उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशनस की वजह से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ना सिर्फ स्कोप में इजाफा होता रहा बल्कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमेशा रिच से रिच होता रहा इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इस सेशन के अंदर जो डिबेट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशोलोजिस्ट की का कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द थेरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि किसी भी माशरे के अंदर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और फिर उन वजूहत की वजह से जब कोई कॉन्फ्लिक्ट एराइज़ करता है तो वो कैसे माशरे को कैसे इन्फ्लुंस करेगा माशरे के अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे पर क्या तब्दीलियाँ होंगी उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कैसा मेकनिज़म डिज़ाइन करना पड़ेगा उस माशरे को और अपनी रियासत के साथ मिलकर कौन सा ऐसा तरीक़ेक इख्तियार करना पड़ेगा ताकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको इवेलोट भी किया जा सके और उसके असरात को भी ख़त्म किया जा सके या कम अज़ कम मिनिमाइज किया जा सके तो हम इस topic for karte hain because from uh, karl marx and then uh, the other uh, political sociologists they all have debated a lot regarding the uh, issue of the social conflict because basically that is the central theme uh, of their research and their social debate so uh, we can say that in फ्राम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इफ़ वी मे इवेलुएट कि तारीख़ के अंदर भी हमेशा से ही माशरों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो एरइज़ किए फिर उस वक्त की जो हुकूमतें थीं उस वक्त की जो लीडरशिप थी उन्होंने उन तनाज़ को ख़त्म करने के लिए अपना अपना तरीक़ार एवेलुएट कियादीम से लेकर मॉडर्न टाइम पीरियड में भी अगर देखा जाए जो आज कल की बड़ी रियासतें या बड़ी हुकूमतें हैं या वो ममालिक जो अभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं अपने आप को एक स्टेबल सिस्टम डिक्लेयर करवाने के लिए उन सब को भी इन मुश्किल का सामना करना पड़ता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पर एग्जिस्ट करता है और रैल्फ uh, जो हैं ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुन्शल सोशल थेरिस्ट ऑफ सेंचुरी एंड ही इज़ बेसिकली कंसिडर्ड As the, a class conflict एज द अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट थोरिस्ट बिकॉज ही बॉज द लीडिंग एक्सपर्ट class divisions and the social conflict in the society. अब किसी भी माशरे के अंदर चूँकि बहुत सारी क्लासेज एग्जिस्ट करती हैं वो क्लासेज किन बेसिस पर होती हैं आमतौर पर क्लास सिस्टम ए रईज़ करता है इकनॉमिक बेसिस पर income key base per ki base per ki ki nature of the work or nature of the of the job and then there are many other hard realities and on the basis of those hard realities there exists a class system all over the world in every society. So he attempted to uh, explain the concept of class class interests, एंटर क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वन हैंड एंड मेथडोलोजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न थेरी ऑफ एक्शन ऑन द अदर बिकॉज जहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहीं पर उसके पैरल सोशल चेंज भी पैरल चल रही होती है यानी कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो चेंज का रिलेशनशिप है इनका कॉम्बिनेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है उसको समझना भी इम्पॉटेंट है और हम ये देखते हैं कि जो रैल्फ़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैसे राइज करता है बल्कि ही हैज़ ऑल्सो लिंक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोसीजर ऑफ चेंज और इसी वजह से इनकी जो थेरी है उसको uh, समझना किसी भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इन जनरल कॉन्फ्लिक्ट थेरिस रेल्फ टीक्स टू साइंटिफिकली एक्सप्लेन द जनरल कॉन्ट्रोनर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी दैट हाउ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट एंड वेरीज एंड द इफेक्ट्स इट ब्रिंग्स एंड देन देंट्रल कंसर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थेरी आर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस एंड पावर ये वो रीज़न या कॉजिज़ हैं अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड पावर जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो चाहे वो डेवलपिंग वर्ल्ड हो चाहे कोई भी सब कॉन्टीनेंट हो कोई भी सोसाइटी हो हम ये देख सकते हैं कि ये वो हार्ड रियलिटीज़ हैं अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज़ ऑफ़ पावर जो हमें इस बेसिक इशू को समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यही वो कंटेंट है जिसकी वजह से हम सोशल चेंज के नज़रिए को भी समझ सकते हैं क्योंकि जहाँ इन हार्ड रियलिटीज़ की वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है तो वहीं अगर इन्हीं चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया जाए यानी अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को अगर एक मेकनिज़म के साथ सेटल डाउन कर लिया जाएगा तो उस सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा और माशरे के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी इसी तरीके से जो आ, जो रैल्फ का जो वर्क है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो रिफ्लेक्ट होती है दैट इज़ वेबरस वर्क जो क्लास सिस्टम वेबर ने इंट्रोड्यूस कराया था क्लास स्टेटस एंड पावर वो भी रिफ्लेक्ट करता बेसिकली इन्होंने इवेल्यूएट किया है कि इनसे पहले जो बड़े बड़े पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट थे वो किन रीज़न्स को कंसिडर करते थे एज द बेस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो रेल्फ ने उन सब का एक कंपेरिटिव एनालिसिस किया उनको इवेलुएट किया और फिर उनको रिलेट किया कि ये सब हार्ड रियलिटीज़ आज भी मौजूद हैं और इन्हीं हार्ड रियलिटीज़ की बेस पर किसी भी माशरे के अंदर सोशल राइज कर सकता है और अगर इन्हीं हार्ड रियलिटीज को प्रॉपरली रीएडजस्ट कर दिया जाए तो इट कैन मूव टूवर्ड्स द सोशल चेंज